दोस्तों अगर आपको जानना है कि फिन निफ्टी क्या होती है, फिन निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग की जाती है और वो भी आसान तरीके से, तो आप सही वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों आज मैं आपको फिन निफ्टी के बारे में बताऊंगा कि फिन निफ्टी क्या होती है, उसमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए और फिन निफ्टी के बारे में जितनी भी डिटेल्स जो आप नहीं जानते ये मैं आपको पूरी आसान तरीके से बताने वाला हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स ये सीरीज बना रहा हूँ और उसमें मैं बेसिक से एडवांस सब चीज़ें मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो पहले जैसे कि हमने स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमैट अकाउंट्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज बनाए हैं, वो वीडियो आप अच्छी तरह देख लो और उसके बाद फिन निफ्टी का वीडियो देखो तो आपको फिन निफ्टी के बारे में बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाएगा और फिन निफ्टी में आप अच्छी तरह ट्रेड कर सकते हो। और दोस्तों आपको लाइव में भी ट्रेड सीखना है या ट्रेड करना है तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, स्टॉक गुरु दीपक एकेडमी में आप सीख सकते हो लाइव मार्केट में। मैंने यहाँ पे नंबर दिया है और डिटेल दिए, वो देख के आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों अपने फिन निफ्टी के बारे में अभी सीखना शुरू करते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे आपको लाइव भी बताऊंगा कि फिन निफ्टी इंडेक्स कैसे होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी से कंपेयर करके और उसमें कैसे ट्रेडिंग करनी है ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग जो कि टर्मिनल पे जाके देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं फिन निफ्टी क्या है ये समझने को। तो फिन निफ्टी लाइक अदर इंडेक्स, यानी कि दूसरे इंडेक्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जैसे कि एनएससी में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होती है, तो दोनों के मैंने वीडियोस बनाए वो आप अच्छी तरह देख लो तो आपको फिर से इंडेक्स क्या होता है समझाना नहीं पड़ेगा। उसमें मैंने पूरे इंडेक्स के बारे में बताया, तो हर एक इंडेक्स होता है, तो वैसे भी एक इंडेक्स है फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में जो लॉट होता है 50 का, बैंक निफ्टी में 25 का होता है, वैसे यहाँ पे 40 का लॉट होता है जो कि फिन निफ्टी में। अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी जो है ये मोमेंटम थोड़ा स्लो होता है, बैंक निफ्टी में एकदम फास्ट मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे अगर आप फिन निफ्टी में देखेंगे तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी आपको ज़्यादा फास्ट भी नहीं चाहिए और एकदम स्लो भी नहीं चाहिए, तो आप फिन निफ्टी में आप ट्रेड करोगे तो वो अच्छा रहेगा, उसका लॉट साइज भी 40 का है। और दोस्तों हम लोग फिन निफ्टी में और भी डिटेल में देखेंगे, बाद में मैं आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा कि कैसे उसमें ट्रेड करना है। तो जो है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है, जैसे कि अपने यहाँ पे सेक्टरल इंडेक्स होता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, ऐसे सभी इंडेक्स ये जो है कि इंडेक्स है, सेक्टरल इंडेक्स है, उसमें से एक जो है कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स जो है ये, इसी को आप लोग फिन निफ्टी बोलते हैं, लेकिन पहले एक इंडेक्स था, बाद में इसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू हुई। तो ये जो निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स जो है इसमें कौन से सेक्टर इंक्लूड होते हैं, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, यानी फाइनेंस में बैंक होके दूसरे भी फाइनेंस होते हैं, एनबीएफसी होता है, ये सब इसमें ऐसे टोटल कंपनीज इंक्लूड किए गए। और उसमें जैसे कि 20 स्टॉक उसमें इंक्लूड किए गए। तो पहले जो था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स उसके बारे में हम लोग देखते हैं, बाद में जाके एक्चुअली फ्यूचर ऑप्शन में भी हम लोग देखेंगे, तो उसका हम लोग थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देखेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि जो इंडेक्स बनता है ये फ्री फ्लोट कैपिटल के ऊपर से बनता है, नंबर ऑफ कंपनी यहाँ पे 20 है, लॉन्च डेट यहाँ पे 2011 है और इसका बेस डेट है 2004। ओके, बेस वैल्यू यानी 1000 ही है, राइट। अभी इसका कैलकुलेशन रियल टाइम होता है और जब ये फ्यूचर ऑप्शन शुरू हुआ था तो ये क्या था, ओनली इंडेक्स था और इंडेक्स के ऊपर फ्यूचर ऑप्शन होता है, जैसे कि आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये जो शुरू हुआ है जो है कि जनवरी 2021 में शुरू हुआ है, तो ये रिसेंटली जो है कि फिन निफ्टी आपने ज़्यादा सुना ही नहीं होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी सुना है क्योंकि वह 2000 में शुरू होते हैं, जिसको अभी 20 से 23 साल हो गए, तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, यानी कि 21 महीने के 2 साल हो गए, तो ये नया इंडेक्स है, आप उसमें ये कर सकते हो, ट्रेडिंग भी सीख सकते हो और कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी वाइज वेटेज दिया है, तो कंपनी वाइज वेटेज से क्या हो जाता है कि हमको पता चलता है कि भाई अभी HDFC का जो कि 23% है, तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बताया कि कैसे देखना है उन स्टॉक के जो कि चार्ट देखना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक और जो है कि
HDFC लिमिटेड, देन कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एक ऐसे चलेंगे तो ये ज़्यादा उसको रिएक्ट करेगा। तो ये अब टाइम टू टाइम देखना कितना कंपनी का कितना वेटेज है, तो आपको ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आसानी होगी। तो ओवरऑल हमको जो है कि इतना ही मालूम हो गया, मीन्स छोटा मोटा चीज़ कि ये कैसे बनाए। बाद में हम लोग क्या हो जाते हैं कि फ्री हो जाते हैं कि इसमें हमको ट्रेडिंग करना है, जैसे कि जस्ट लाइक आप निफ्टी में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में कर रहे हो। और भी कुछ चीज़ हम इसमें देखेंगे तो सेटलमेंट प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप। तो यहाँ पे फिन निफ्टी डेरिवेटिव्स आर सेटल विद कैश एंड एक्सपायरी डेट इज लास्ट ट्यूसडे, यानी मंगलवार को इसका क्या हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है। अगर इन शॉर्ट में आपको कहूँ तो वीकली एक्सपायरी इसमें भी होता है, जैसे कि अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता है। तो एवरी वीक ये यहाँ पे मंगलवार को यानी ट्यूसडे को एक्सपायरी होता है। मंथली एक्सपायरी भी महीने का जो लास्ट ट्यूसडे रहेगा वहाँ पे होता है। तो जैसे मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो एक्सपायरी जैकपॉट कॉल बताता हूँ, जो कि आखिर के गुरुवार में होता है, वह यहाँ पे आखिर में मंगलवार में हो जाएगा, आखिर का मंगलवार में इसका एक्सपायरी हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है, अच्छी बात है। गुरुवार को आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉन्सनट्रेट करो, और जैसे कि मंगलवार को आप इस पर कॉन्सनट्रेट कर सकते हो। राइट, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज पुट ऑप्शन एंड फ्यूचर इन 7 सीरीज वीकली कॉन्ट्रैक्ट एंड 3 सीरीज मंथली कॉन्ट्रैक्ट ऑन ऑफर फॉर द फर्स्ट टाइम इन NSE ऑफरिंग वीकली फ्यूचर फॉर स्टॉक इंडेक्स इन डेरिवेटिव। तो जैसे कि वीकली भी शुरू हुआ था, तो वीकली भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो इसमें भी कैसा है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है। तो एक ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अभी हाउ टू ट्रेडिंग फिन निफ्टी, जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हैं वैसे ही करना है। फिन निफ्टी फ्यूचर, फिन निफ्टी ऑप्शन भी होता है, यानी कॉल पुट भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अगर हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोग कंपेयर करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा कम होता है। राइट, यहाँ पे लॉट साइज 40 है, ये याद रखना। और मैं थोड़ा सा आपको लाइव में भी बता देता हूँ, तो लाइव में भी हम लोग इसका जो है कि ये लेंगे कि एक्सपीरियंस भी लेंगे और आपको सीखने भी अच्छा लगेगा अगर हम लोग यहाँ पे लाइव में देख रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टर्मिनल्स है और टर्मिनल्स के यहाँ पे मैंने जो है कि जो कुछ चीज़ें लगाई है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, और ये यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे लगा है। तो जैसे कि मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोग निफ्टी का लेंगे, तो निफ्टी में हम लोग यहाँ पे हम लोग निफ्टी करते हैं, और निफ्टी में हम लोग कॉल पुट यहाँ पे बाय करते हैं। तो निफ्टी यहाँ पे जो चल रहा है 17,600, तो हम लोग यहाँ पे कॉल देखते हैं यहाँ पे निफ्टी का। तो जैसे कि दोस्तों हमको निफ्टी में अगर हमको बुलिश है तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, और बेरिश है तो पुट बाय करते हैं। तो आप ATM का कॉल भी देख लीजिए यहाँ पे कितने रेट चल रहे हैं। साइमल्टेनियसली जहाँ पे हम लोग अभी सीख रहे हैं वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, तो निफ्टी यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिन निफ्टी। ओके, यहाँ पे फिन निफ्टी लिखते हैं, देन यहाँ पे आपको फ्यूचर निकालना है तो आपको ऑल करना पड़ेगा और यहाँ पे फ्यूचर निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसे ही है, फिर हमको यहाँ पे जो है कि फ्यूचर निकालेंगे। तो करंटली हमको फ्यूचर देखना है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं मार्च महीने का। तो यहाँ पे मैं इसका फ्यूचर ऐड करता हूँ फिन निफ्टी का, देखिए। और हम लोग इसको कॉल अगर निकालेंगे यहाँ पे लगभग जो है कि मार्च 6 तारीख को इसका एक्सपायरी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर कैलेंडर में, तो यहाँ पे देखिए कि ट्यूसडे को छुट्टी है क्योंकि होली है। तो इसका जो एक्सपायरी है ये 6 तारीख को होने वाला है, तो 6 मार्च का इसका एक्सपायरी यहाँ पे बराबर है। तो दोस्तों हम लोग फिन निफ्टी का कॉल और पुट निकालेंगे और उसमें कैसे ट्रेड करना है हम लोग देखेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो इसका स्ट्राइक प्राइस है जो कि यहाँ पे 50-50 पॉइंट से है। अगर हम निफ्टी के देखेंगे तो वो भी 50 पॉइंट है, और बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट से होते हैं। यहाँ पे एट द मनी है, राइट, इन द मनी 18,200। अगर आप इन द मनी भी लेते हो तो हम लोग देखते हैं कि इन द मनी में कितने हमको चार्ज होता है, 3,800, क्योंकि ये 40 का लॉट है और रेट चल रहा है 95। तो आप
5000 भी रहेंगे तो इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट मैं कहूंगा थोड़ा मार्जिन ज्यादा रखेंगे जो भी ट्रेडिंग करना है। अगर आप बुलिश हो तो कॉल बाय करोगे, बेरिश हो तो पुट बाय करोगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ठीक ठाक होती है, अच्छी तरह होती है, एकदम भी ज्यादा नहीं, लेकिन मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है। जैसे कि हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने को जैसे कि हम सीखे वैसे ही। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो मैं आपको चार्ट देख के कैसे ट्रेड करने का है बताऊंगा, और आपको और भी ज्यादा सीखना है तो हमारे क्लास में आके या हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं वहां के भी आप सीख सकते हो। तो जैसे कि आज का कैंडल है, यहाँ पे मैंने डेली में यहाँ पे देखिए कुछ लेवल लगाए जिसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। तो ये प्राइस एक्शन लेवल मैंने यहाँ पे लगाए जो भी हाई, हर एक कैंडल का हाई है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हाई हो गए, नीचे जा रहा तो लो लगाएंगे। तो हम लोग दोनों तरफ भी ट्रेड कर सकते हैं। और बाजू में आपको दिखाता हूँ जैसे कि ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हर एक लेवल पे जैसे कि लेवल ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे रुका, ब्रेकआउट किया, और ये लेवल पे देखिए ये जो ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद ये लेवल पे हर टाइम आया तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जैसे कि अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल जानते हो और कॉल फ्यूचर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर निफ्टी में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। डिफरेंस क्या है कि एक्सपायरी डेट का डिफरेंस है, अच्छा बात है। कभी इसका एक्सपायरी कभी उसका, यानी कि मंगलवार और गुरुवार दोनों भी आप ये कर सकते हो। लॉट साइज भी अच्छा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी से ऑड है, और थोड़ा सा आपको टेक्निकल मालूम है तो आप फिर निफ्टी में बहुत अच्छे तरह ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो और भी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए एजुकेशन में आप यहाँ पे नीचे लिख दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते रहो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और दूसरे को भी यहाँ पे शेयर करो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। दोस्तों ऐसे ही आपको लाइव मार्केट में जो मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फ्यूचर और ऑप्शन सीखना है, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो और मेरे साथ लाइव मार्केट में जो है कि ये सब चीजें सीख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको और भी कौन से सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए कि जैसे कि मैंने आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के बारे में बनाया, तो और भी एडवांस कोई जो कि वीडियो सबको चाहिए तो मैं बताऊंगा। आप नीचे कमेंट में लिख दो कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियोस बनाने हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।